पथरदोई के शाहबाद में आज स्वागत मैरिज ग्राउंड में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने, आइए देखते हैं हमारे विशेष संवाददाता दीपू अवस्थी की खास रिपोर्ट। आज शाहबाद के स्वागत मैरिज लॉन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि रहे राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल। आपको बता दें कि शाहबाद में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में नरेश अग्रवाल ने सपा बसपा और कांग्रेस को बनाया निशाना। बोले, मुलायम सिंह को जिताने मायावती आ रही है, ये तो मुलायम सिंह है जिनका मायावती से पुराना रिश्ता भी रहा है। कांग्रेस पर बोलते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि आप चाहते हो मोदी चुनाव हारे, उनका जश्न पाकिस्तान में मने, क्योंकि कांग्रेस का बस चले तो अजहर मसूद और दाऊद इब्राहिम को भी पार्टी में शामिल कर ले। अगर आपको देश बचाना है तो मोदी को जिताना होगा। वहीं आज से आप एक एक लोग एक हफ्ता मोदी को दे दें, जिससे हम लोग पुनः मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बना सके। शाहबाद विधायिका ने कहा कि नरेश अग्रवाल के आने से पार्टी बहुत मजबूत हुई है। नरेश अग्रवाल को विश्वास दिलाते हुए कहा कि शाहबाद विधानसभा हम लोग बहुत वोटों से जीतेंगे। यहां का हर भाजपा कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता, प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहा है। आयोजन करने वाले नवनीत गुप्ता जी, शाहबाद के प्रभारी अजीत सिंह बब्बन जी, बहुत अच्छा संचालन कर रहे वेदराम राजपूत जी, रामेश्वर दयाल गुप्ता जी, मुरारी लाल गुप्ता जी, सामने बैठे हुए हमारे सम्मानित भाइयों, आज ये सभा हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सबको पता है, चुनाव शुरू हो चुका है, 29 तारीख को मतदान होने वाला है। हम सब लोगों के सामने एक चुनौती है। एक तरफ हमारा नेतृत्व जिसको पूरा देश स्वीकार कर रहा है, और दूसरी तरफ वो पार्टियां जिनका कोई वजूद नहीं, जो सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए राजनीति कर रही हैं। आज हमारे देश के गौरव की बात है, आज हमारे देश के सम्मान की बात है। भाइयों, हम सबको लग करके भारी बहुमत से अपने प्रत्याशी भाई जयप्रकाश रावत को जिता करके भेजना है, अपने प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। आज इस सभा में हम सब कहना चाहेंगे कि भाइयों, हम सबको मेहनत करने की जरूरत है। जहां एक तरफ हमारा यशस्वी नेतृत्व, जहां एक तरफ हमारा मजबूत नेतृत्व। वही सम्मेलन के आयोजक ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नवनीत गुप्ता, नीतू नलिन गुप्ता डब्लू थे। मंच पर रामेश्वर दयाल गुप्ता, डॉक्टर मुरारी लाल गुप्ता, अजीत सिंह बब्बर नगर अध्यक्ष अमर रस्तोगी, वेदराम राजपूत, हर्ष पांडे, हाकिम सिंह के साथ सभी भाजपा कार्यकर्ता, प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्यों की उपस्थिति रही। आयुष्मान भारत में बहुत लोगों को लाभ मिल गया होगा, किसान बीमा में बहुत लोगों को लाभ मिल गया होगा, और अब तो मोदी जी ने किसान को 500 रुपए महीना पेंशन दे दी, जो तुमको मिल गई। हमने आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर से बुला के पूछा कि जिस महीने सबके खाते में आई थी कितना सेल बढ़ गई, कल के दूनी सेल हो गई। अब अपने साथियों को कहना, एक बार हो गई होगी, अब जो दूसरी किस्त आ रही है वो किस्त पूरी की पूरी परिवार पर लगाना, खेती पर लगाना, क्योंकि मोदी जी, और एक बात ध्यान रखना, मोदी की सरकार लाई, दूसरी सरकार आई तो वसूली भी तुमसे शुरू कर देगी उस किस्त की। ये भी अगर रोकना तो मोदी जी को याद रखना। और हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि अगली सरकार बनी तो 500 को 1000 रुपया कर दिया जाएगा, यानी किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। विश्व के किसी देश में शायद ही ऐसा हुआ। कल अखबार पूरा कांग्रेस घोषणा पत्र से भरा हुआ, बड़े लुभावने सपने उन्होंने दिखाने के लिए। उन्होंने कह दिया कि हम 6000 रुपए हर व्यक्ति की आय करते हैं, 6000 रुपए। हमने पूछा 6000 कहां से देंगे, उन्होंने कहा देंगे नहीं, वो अगर 4000 पैदा कर रहा है तो उसको 2000 रुपए देंगे। तो ये समझ लो उनकी योजना क्या है। अगर तुम मजदूरी 200 रुपए रोज पैदा कर रहे हो और 4-5 दिन गैराजी रहेंगे तो 800-1000 अगर कम पड़ गए तो उनका 2000 रुपए केवल पूरे करेंगे, 6000 नए नहीं देंगे।
मैं गलत कह रहा हूँ तो विपक्ष वाले जवाब दे कि उनकी 6,000 से 72,000 की योजना है। कल के आतंकवाद देशद्रोही की दफा खत्म कर दे तो फिर सीरियल धमाके अगर होंगे तो फिर कौन सी दफा लगेगी जरा हमको बता दे। मोदी जी ने आज शाहबाद में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो गए और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो गए, ऐसा देश बनाना चाहते तुम लोग? आखिर कांग्रेस के तो मैनिफेस्टो से ऐसे देश बनने जा रहा है। अलगाववादियों से बात करेंगे, देशद्रोह के दफा नहीं लगने देंगे, हिंदुस्तान पे तो चाहे जितनी गाली दे। कल ये भी कह सकते थे आजाद मसूद को हम अपनी कार्यकारिणी का सदस्य बना दें, हाँ अगर उनके वोट मिले हो तो ये भी कह सकते कि आजाद मसूद को और दाऊद इब्राहिम को हम पाकिस्तान से बुलाकर अपनी कार्यकारिणी का सदस्य बना देंगे क्योंकि तो उनके आने से कश्मीर की समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं समझता हूं इससे बड़ा विश्वासघात देश के साथ नहीं होगा। अगर उस पार्टी की ये सोच है और उस गठबंधन की भी, उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कश्मीर का प्रधानमंत्री इलेक्ट बनाना चाहिए, यानी कश्मीर को नया देश घोषित कर देना चाहिए जो पाकिस्तान चाह रहा है। क्यों नहीं कांग्रेस बोली गलत है, क्यों नहीं सपा बोली गलत है, क्यों नहीं बीएसपी बोली गलत है? और ये तो अच्छा है, बहन जी ने कह दिया कि हम एमपी का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश जी चक्कर में थे कि बहन जी एमपी का चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बहन जी लड़ी नहीं करेंगे मुख्यमंत्री हम बनेंगे, कुछ बेहतर बन जाओगे। अब बहन जी ने बड़ा धीमे से अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि समाजवादी पार्टी को हराओ, बहुत धीमे धीमे संदेश चला जा रहा है। तुम्हें कोई बसपा का कार्यकर्ता दिखाई नहीं देगा, मौका है उसको लपक लो संदेश लगाने का, क्या दिक्कत? अब कभी कभी ऐसे गठबंधन होते हैं जो संभव नहीं। अब पेपर में हमने पढ़ा कि मुलायम सिंह को जिताने मायावती की मैनपुरी कहूंगी, मैं तो कहूंगा मुलायम सिंह को चुल्लू भर पानी में डूब मर सकते हैं। अगर उनको जो जिताने मायावती कहेंगी तो फिर मुलायम सिंह किसको जिताने नहीं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दीपू अवस्थी की रिपोर्ट, शाहबाद।